नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज। सीधा तस्वीरें इस वक्त आपको किशनपुरा दामला जिला यमुनानगर से दिखा रहा है। आज यहां पर अंबेडकर जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहां पर आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज समाचार पत्र के मुख्य संपादक को सम्मानित किया गया और कहा कि यह जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा भरसक प्रयास करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पर संजीव धीमान ने एक प्रोग्राम करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव को मनाया। पत्रकारिता के माध्यम से अनेक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का जो दावा करते हैं और करते भी हैं, अनेक लोगों के घर परिवारों की समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को, बौद्धिक समस्याओं को, राष्ट्रीय समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं और पारिवारिक समस्याओं को जिन्होंने सुलझाने की कोशिश की है, राजेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और डॉक्टर साहब के बारे में दो शब्द कहें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। आज हमारे घनिष्ठ मित्र और बड़े भाई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर ये प्रोग्राम रखा और हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार की व्यवस्था ये करेंगे और इन्होंने बहुत ज़्यादा मान सम्मान आज किया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद सभी पत्रकारों का, अपने साथियों का, अपने गुरुजनों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज यहाँ बुलाया जाए और इस पावन दिन पर उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मैं सबका तहे दिल से पहले तो धन्यवाद करता हूँ और जो दिली भावना से आप लोग जुड़े हैं इसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमारे संजीव जी ने जो प्रोग्राम रखा है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर रखा है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आज हमें घर घर तक पहुंचा दो। उन्होंने कहा था कि खींचो न कमानों को न खंजर निकालो, जब दो मुकाबला हो तो पटवार भी करो। जब किसी समस्या को हमने उठाना है या सरकार तक पहुंचाना है या जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाना है तो सबसे पहले हमारे सामने एक आईना होता है, वो है मीडिया। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो भारत का चौथा स्तंभ भी माना गया है, जो जन जन की आवाज उठाने का काम करता है, हर समस्या में लोगों तक पहुंचता है, जहां तक सरकार नहीं पहुंचती वहां तक पत्रकार पहुंचता है। और एक छोटी सी बच्ची ने, गुड़िया ने इतनी अच्छी स्पीच की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक मसीहा है सर्व समाज के लिए। पहले देखा होगा कि आपने औरतें घर से नहीं निकल सकती थी और बराबरी का दर्जा किसी को नहीं था, हर प्रकार से बराबरी का दर्जा देने के लिए उन्होंने संविधान लिखा और संविधान लिखकर सबको हर वो अधिकार दिलाया जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन अभी भी देखा जाता है देश के अंदर कहीं ना कहीं उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। आज जनता जो है अपने अधिकारों से वंचित है और भारत देश के अंदर जो तीन बंदर दिए गए हैं उसमें सिमटकर हमारा देश रह गया। हमारे पास हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी समस्या आती है जिसके बारे में ना प्रशासन सुनता और ना सरकार सुनती, और जब हमारे पास वो समस्याएं आती हैं तो हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उनका समाधान करने का भी प्रयास करते हैं और जितना हो सकता है हमारे कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से। ये एक महाभारत का युद्ध है, कुरुक्षेत्र भूमि नहीं महाभारत का युद्ध है, जो जनता की समस्याओं के लिए धर्म और कर्म की लड़ाई लड़ता है। जब भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो तुरंत हम उस आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर कर्म के सिपाही सो गए, वतन के मसीहा वतन को बेच देंगे वतन, आज ये आवाज जन जन तक है कि आज देश किस हाल में जी रहा है और क्या क्या देश का बिक रहा है और नेता क्या खिलवाड़ देश के साथ कर रहा है, या भली बातें जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। अन्ना कानून बन गया, बहरी सरकार बन गई और जनता बन गई, तीन बंदर हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। यदि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को मजबूत करना है, तो हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी।
कहते हैं कि देश आजाद है, लेकिन देश आज आजाद नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं गुलामी है, हर एक व्यक्ति अत्याचार का शिकार है। आप देख सकते हैं, ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे देश का नागरिक सुरक्षित है। जो अधिकार उसे चाहिए उसे नहीं मिल पाते। तो साथियों, आज के इस पर्व पर मैं यही कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र भूमि जो है, जब भी कोई समस्या आती है वो खाली न्यूज नहीं बनाता, वो सरकार को हिलाने का काम करती है और उस समस्या का समाधान करने का काम करती है। जब तक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, आज के दिन के लिए मैं आपका और सुनील जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना समय दिया और इतना समय आपने वेट की। मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हुआ हूँ, तो मैं इतना लेट नहीं होना चाहता, ताकि आप लोगों का समय भी कीमती है, आप लोगों को भी अपने कामों में समय मिले। तो आज बहुत अच्छा विषय रहा।